इतना बोल सकते हो कि जो अच्छा नहीं लग रहा है या तो मैं उसे अच्छे से नहीं कर रही या फिर वो सही में मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। क्लासेस तो वैसे ही गिर रहे हैं, मैं ऐसे ही टकली हो जाऊंगी। ओके, सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये आईलाइनर के साथ इंट्रो में क्या कर रही है। सो टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्विस्ट वाला। सो हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो पीपल दोस आर न्यू हियर, हाय माय नेम इज आयुषी मुस्कान, इफ यू ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड शोइंग मी सो मच ऑफ लव अगेन। सो टुडे वी आर गोना ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ आईलाइनर ऑन राउंड आईज। आई थिंक मेरा आई का शेप राउंड है, तो अच्छा तुम लोग बताओ कैसा है, बिकॉज आई थॉट मेरा राउंड शेप है आई का। एंड मैंने भाई साहब जितनी ये स्ट्रगल की है ना अपना परफेक्ट आईलाइनर का स्टाइल ढूंढने में, उतना तो मैंने आज तक मैथ्स में नहीं किया। बस मैथ्स पे कर लिया रहता था, यू नो, बट सी दिस इज माई रेगुलर काइंड ऑफ स्टाइल, मैं हमेशा ऐसे ही आई लाइनर करती हूँ। बट टूडे वी आर गना चेंज आवर स्टाइल एंड सी हम डिफरेंट आई लाइनर के साथ कैसे दिखते हैं। ओके, आई एम सो स्कैर्ड मैं, और पता नहीं क्यों इस जो ये माई ग्लैम का आई लाइनर है इसका टिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो यू नो थिक टाइप का इसका टिप है, तो तुम्हें थोड़ा लगाने में दिक्कत आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम गोना फर्स्ट वेट, मैं इधर रेफरेंस लेके तब तुम्हें बताती हूँ। ऑल्सो हेयर इज़ द डिस्क्लेमर, अगर तुम कभी आई लाइनर खरीदने जाओ तो सबसे पहले उसकी टिप को देखो, अगर टिप थोड़ा साफ इन जाता है ना वही आई लाइनर लो, अदरवाइज आई लाइनर ही मत लो। सो ये तो मैंने देखा नहीं था ऑफलाइन में, ये मैंने ऑनलाइन लिया था फ्रॉम माई ग्लैम ऐप। ओके, सो आई हैव द रेफरेंसेज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। फर्स्ट इज सिंपल, आई थिंक ऑलमंड शेप के आईज है मेरे, या राउंड है, आई डोंट नो, जो भी हो आई थिंक ऑलमंड शेप का है। भाई इतने प्यार से तो मैंने कभी अपनी आंखों को भी नहीं देखा। सो इट्स ऑलमंड। ओके, सो मैंने ऑलरेडी कैट करके रखा है, इट्स काइंड ऑफ लिटिल विंग वाला करके रखा है। सो आई एम गोना यूज दिस फुल लेंथ वाला विंग नाउ। सो फर्स्ट वन इज फुल लेंथ विंग। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक ही आईज पे करूंगी मैं, क्योंकि एक खराब हो रहा है तो दूसरे को क्यों खराब करना। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी डू कि हम सारा इसका जो प्रोडक्ट है वो इसमें वाइप कर देंगे इसके बॉटल के कॉर्नर पे। सो हमारे पास बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बचे। ये मेरी बचपन से इच्छा थी, ये मैं ऑफलाइन भी कर सकती थी, बट आई रियली वांट टू डू ऑनलाइन टू शो यू गाइस। तुम लोग थोड़े से पास आ जाओ। या नाउ इट्स गुड। मैं ऑलवेज हाफ वे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई यूज टू डॉट कि फुल वे मेरे पे अच्छा नहीं लगता, बट अभी तो लग रहा है कि फुल वे भी अच्छा लगता है। सी इट्स लुकिंग नाइस, आई थिंक इट्स परफेक्ट विंग आई लाइनर। सो फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट वन इज नो, इट्स कैट आई लाइनर, इट्स कैट आई लाइनर, ऑल्सो तुम विंग आई लाइनर भी कह सकते हो। सो द सेकेंड वन इज नो द थर्ड वन आई थिंक, बिकॉज पहले एक विंग था, देन आफ्टर दैट आई अप्लाइड फुल, तो दूसरा और तीसरा हम ये ढूंढने जा रहे हैं। इट्स डबल विंग, अब हम इसके ऊपर विंग एक और लगाएंगे तो वो डबल विंग बन जाएगा। Also looking nice, isn't it? Yeah. Okay, so the next one is retro. Retro में क्या है? Retro में इधर से गया है. So we try this. आज मैं अपना 100% try करूँगी कि मैं अपने आप को चुड़ैल बना लूँ. Eyeliner different तरह के use कर करके. भाई ये तो बहुत भयंकर लग रहा है। सो दिस इज नॉट माई स्टाइल एट ऑल। आई थिंक इट्स लुक गुड ऑन एथनिक वेयर, अब जब आप एथनिक पहनोगे तो बहुत ही मस्त दिखेगा। लाइकिंग इट। अब इसको हटाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वेट, यूजिंग दिस हिमालय का एलोवेरा वाइप। So
मैंने इतना निकाला है कि मैं अपने हाथ में इसको राउंड करके जब मन तब वाइप ऑफ कर रही हूँ। ओके इसको रहने देते हैं, लेट्स ट्राई ड्रामा वन, इज रियली गोइंग टू बी सो ड्रामेटिक। एक मिनट मेरे को रेफरेंस देखने दो। अच्छा ये पूरा जाता है तुम्हारा ड्रामा में भाई। मुझे आज तो सबसे ज्यादा डर मुझे अपने लैसेस का लग रहा है, उनका क्या होगा। दिस इज गोना बी मोस्ट विथ दिस। आई एम ड्रामा बट मेरे पे ड्रामा वाला लाइनर सूट नहीं करता, सो इट्स सो फेलियर फॉर मी। रुको इसको फैलाते हैं। नो दिस इज नॉट माई वाइफ ब्रो। इतना बोल सकते हो कि जो अच्छा नहीं लग रहा है या तो मैं उसे अच्छे से नहीं कर रही या फिर वो सही में मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम लोग ऑफेंड मत हो जाना कि वो तुम्हें लगाने नहीं आ रहा, यानी वो लाइनर का स्टाइल खराब है। नो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे हाँ बोल सकते हैं कि मुझे लगाने नहीं आ रहा, दैट्स वे मैं बोल रही हूँ कि वो लाइनर मेरे पे सूट नहीं कर रहा, दिस इज अनदर रीजन। बहुत ही मस्त क्रिएट कर दिया, इसको हटाते हैं। आफ्टर डैट वी ट्राई समथिंग न्यू अगेन। मैं एक टिप देना चाहूँगी डैट यूज वैसलीन ऑन योर लैसेस, और यू कैन यूज दैट वैसलीन जो भी बोलते हो ऑन योर आई लाइनर एज वेल टू रिमूव आई लाइनर्स, वाटर प्रूफ आई लाइनर्स एंड वाटर प्रूफ मस्कराज। सारा मेकअप खराब हो गया, लैसेस तो वैसे ही गिर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही टकली हो जाऊंगी। अभी मैंने ढूंढा, मेरे पास है नहीं अभी वैसलीन, पता नहीं कहाँ चला गया भाई। लिटरली तुम पास आओ और ये देखो जो लैसेस भर भर के गिरे पड़े हैं मेरे फेस पे। नॉट गना अगेन रिमूव एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ लैसेस और मस्करा बिना वैसलीन। अगर चेक करना है ना तुम्हें कि तुम्हारा मस्करा हटा या नहीं, जस्ट डू लाइक दिस। अगर वो हार्ड लगे यानी वो स्टिल हैं, अगर वो तुम्हें सॉफ्ट लगे तो वो हट चुके हैं। मस्करा और भी डिफरेंट टाइप के आईलाइनर्स होते हैं बट नाउ आई एम गिविंग अप ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले मेरे को अच्छे से आईलाइनर लगा लें तो तब मैं आउटर शूट करूँगी। So this is how I do my wing. अभी तुम्हें अगर full wing बनाना है तो just do one swipe from here to here, वो तुम्हारा मस्त झक्कास eyeliner बन जाएगा। So this is all for the video guys. Hope you like this video. If you like, don't forget to like and subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Now this is the perfect outro. So yeah, that's it for the video. Hope you like the eyeliner ka naya ek idea mera tum log ko dikhane ka. On the happy note with my favorite eyeliner style, I'm saying you goodbye and I love you guys so much. Bye bye.